हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज हल्का सड़ोरा में कांग्रेस की प्रत्याशी रेणु बाला के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला को जोरदार स्वागत किया गया। वहां पर उन्होंने सभी से रेणु बाला को वोट देने की अपील की और कहा कि आप सभी कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें। कुमारी शैलजा द्वारा दूसरी पार्टी छोड़कर आए हुए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया गया। आप जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हल्का सडौरा से, जो आप MLA का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं इसमें? कि सबसे पहले तो मेरा आप सबको नमस्कार है। जो कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ पे टिकट दे के भेजा है हाईकमान की तरफ से, हुड्डा जी ने और बैन शैलजा जी ने, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और हल्का सडौरा के जो मेन मुद्दे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। चाहे वो सड़कों के मुद्दे लगा लीजिए, चाहे वो यहाँ पे बेरोज़गारी के मुद्दे लगा लीजिए, और डेवलपमेंट का जितना काम होना है वहाँ यहाँ पे है वो ना के बराबर है। जैसा कि बेरोजगारी को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, तो अगर आपकी सरकार आती है तो आप बेरोजगारी को लेकर क्या करेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो अभी हम देख चुके हैं कि इन 5 सालों में हमारा जो युवा वर्ग है बेरोजगारी रहा है। और अभी कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा भी है कि जो प्राइवेट उद्योगों में नौकरियां भी दी जाएगी जो युवा भाई हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और गरीब परिवार से हर एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। तो आप जैसे विधानसभा में घूम रहे हैं, हर हल्के में घूम रहे हो, तो आपकी टक्कर किससे होने वाली है? देखिए, हमारी टक्कर किसी से नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक ही है और कैंडिडेट भी हम एक ही हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा सडौरा हल्के के लिए? सडौरा हल्के का सबसे पहला कार्य तो ये है कि हमारा जो सडौरा का विकास है वो करवाने का हम सबसे ज़रूरी करेंगे। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हल्का सडौरा की जनता अपना प्यार अपना आशीर्वाद हमें देंगे, उनका धन्यवाद करेंगे और उनका सहयोग देने के लिए उनके बीच में जाके उनके जो काम करवाने के काम है वो करवाएं। सभा को संबोधित करते हुए शैलजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव आ गया है, अब लोगों ने BJP प्रदेश से बाहर करने का मन बना लिया। अब विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटें मैडम कांग्रेस की इस उसमें? देखियो, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, सारे हरियाणा में घूम कर हमने देखा है, लोगों का फीडबैक जो आ रहा है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। मैडम, जो अब जब आपकी सरकार आएगी तो जैसे बेरोजगारी है हरियाणा में, बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा समस्या है, युवा परेशान है, आपकी सरकार इसके बारे में क्या कहेगी? क्योंकि इतनी आर्थिक मंदी इस सरकार ने ला दी है, हरियाणा राज्य को इन्होंने कर्जवान बना दिया है। हमने आम लोगों के, गरीब लोगों के और किसान के हाथ में पैसा देना है ताकि हमारे हरियाणा की अर्थव्यवस्था वहाँ से शुरू हो जाए। यह नहीं कि चंद बड़े लोगों को आप पैसा दे दो और बाकी लोग ऐसे ही फिरें। गरीब लोगों का और किसान का हमने ध्यान करना है, हमारी अर्थव्यवस्था को हमने दुरुस्त करना है ताकि हरियाणा में फिर से रोजगार के साधन हो और हमारे युवा इस तरह से ना फिरें। जैसा मैडम, कांग्रेस के जो पहले प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, आज उन्होंने JGP को समर्थन दिया। ठीक है, पार्टी छोड़ चुके हैं।